आदिपुरुष के रिव्यू के साथ ही क्या ट्रेलर से ही पता चल गया था कि आदिपुरुष मूवी कितने ख़राब होने लगी है। इफेक्ट की बात करो, साउंड म्यूजिक जो है थोड़ा बहुत अच्छा भी था, लेकिन अजय अतुल द्वारा जो म्यूजिक था उसको अगर हटा भी दें तो बाकी जो मनोज मुंतशिर के डायलॉग हो या फिर ओम राउत का डायरेक्शन है, प्रभास का, बाकी स्टार कास्ट का परफॉर्मेंस देख लो, इतना घटिया था। मूवी को तो फ्लॉप डिजास्टर होना ही था, लेकिन बात ये आ रहा है कि देखे मूवी के बाद कई सारी बातें लीक हो रही है। जहाँ देखो प्रभास के लुक जीसस वाला, भाई जीसस क्राइस्ट बना रहे हो या फिर हनुमान जी को मौलाना बना रहे हो या क्या, क्या मतलब ये भाई सेकुलरिज्म नाम के सेक्युलर रामायण बना रहे हो या फिर रामायण, रामायण नाम भी नहीं है उन्होंने तो, आदिपुरुष के नाम पे पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। जीसस जैसे दिख रहे हैं प्रभास, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रहा है सोशल मीडिया, लेकिन इस वीडियो को बनाने का यह है कि विभीषण को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। भाई विभीषण जो कि परम राम भक्त था, जिसके कारण ही अशोक वाटिका तक हनुमान जी पहुँच पाए थे, माता सीता को ढूंढ पाए थे, उसको तक इन्होंने जो है मदिरा पीते हुए दिखाया है, दारू पीते हुए दिखाया है, और वो तो छोड़ो समझ में आता है, चलो विभीषण को समझिए, इन्होंने इंद्रजीत को तो टिकटॉकर ही दिखा दिया है, रावण को तो पता नहीं छपरी ही दिखा दिया है, लेकिन समझ में आता है चलो। लेकिन विभीषण जो इतने बड़े राम भक्त, उनको भी जो है दारू पी तो दिखाया और उनको भी चलो हटा भी दो, तो उनकी पत्नी को भाई इस तरह से दिखाओगे आप? देखो ये सीन आता है भाई साहब, इतना घटिया सीन था, इसको आप देख लोगे ना तो आपको लगेगा भाई क्या बात है, इतने सारे कैरेक्टर हैं, मतलब उनको इतना घटिया वे में दिखाना था, लेकिन विभीषण जी को क्यों दिखाया? समझ में आता है कि आप इंद्रजीत को छपरी बना रहे हो, आप जो है मॉडर्न खिलजी बना रहे हो रावण को, समझ में आता है कि चलो ईविल को और ईविल बनाया जा रहा है, आज के हिसाब से तालिबानी दिखाया जा रहा है, लेकिन विभीषण के पत्नी को ये दिखाने का, ये उनको दिखाने का कोई सेंस नहीं बना भाई, कि क्या सोच के डायरेक्टर साहब ने ये सीन को रखा होगा। आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या रही होगी। और ओम राउत का पहले का ट्वीट आता है कि हनुमान जयंती पे कौन सा लाउड स्पीकर लगा के इतने सारे शोर शराबा क्यों करते हैं, और बाद में वही बोलते हैं कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। टू आर प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट for our Hanuman ji, he will come to see Ramayana। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखो, वो हमारे हनुमान जी जो जो कि आके मूवी देखेंगे, लेकिन होता क्या है, एक सीट क्या, जनता ने पूरा सीट ही खाली कर दिया, क्यों? क्योंकि मूवी कौन देखने जा रहा है भाई, पूरा थिएटर खाली पड़ा है, कहाँ से मूवी देखने जाएंगे? प्रभास भैया भी सोच रहे होंगे किन चूतियों के चक्कर में पड़ गया और अपना लुक ख़राब कर लिया, क्योंकि मीम तो उनके पहले बन रहे थे मोटा मोटा है करके, और जो जीसस क्राइस्ट बना दिया गया है प्रभास भैया को, तो वही बात है कि आदिपुरुष के मेकर्स को समझना चाहिए था पहले से ही, कि जब ट्रेलर आया था, टीज़र आया था, उस समय से जब जनता का जो नेगेटिव रिव्यू था, फिर भी उन्होंने 7-8 महीने लिया, लेकिन क्या चेंज किया, झाड़ भर भी चेंज नहीं किया, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, मूवी जो है डिजास्टर होने वाली है, और क्या है, हो चुकी है। अब बार बार ये लोग अपने अब जो है पक्ष बदल रहे हैं, डायलॉग चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 8 महीना मिला आपको लगभग साल के बराबर टाइम, उसमें आपने तो कुछ उखाड़ा नहीं है, तो अब क्या ही कर लेंगे? आपके जो है महान कीर्तिमानों में इस फिल्म का नाम जोड़ा जाएगा, और वो अलग बात है कि हिंदू सनातन धर्म के जो है अपना अपमान किया गया है, फिर भी लोग जो है इस पर जो है कुछ नहीं कह पा रहे हैं। देखते हैं कि प्रभास भैया की आने वाली सलार मूवी, जो कि नाम से सलार पठान मतलब इस सब के कैटेगरी का जो है आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है।